नमस्कार दोस्तों, पावर श्री के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अकाउंटेंसी के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती आ रखी है, उसमें चाहे आप सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीनियर मैनेजर और मैनेजर में 30 क्वेश्चन अकाउंटेंसी आएंगे, जबकि बैंकिंग असिस्टेंट में 25 क्वेश्चन आएंगे अकाउंटेंसी के। तो आज अपन अकाउंटेंसी के एमसीक्यू करेंगे। अब आपको अकाउंटेंसी के एमसीक्यू रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। कुछ कैंडिडेट कमेंट आए थे कि लाइव क्लास में समय भी ज़्यादा लगता है और लाइव क्लास है उसमें थोड़ा टाइम भी है, वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, ऐसा कैंडिडेट का कहना था। इसके अलावा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए अपन रिकॉर्डेड क्लास ही आपको देंगे तब तक। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट ये मांग भी थी कि सर एमसीक्यू अकाउंटेंसी इंग्लिश में लाया जाए, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के वो भी समझ सकें। तो आज अब है जो अपने एमसीक्यू है इंग्लिश में है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक है, साथ में मैं हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न ऑनेरियम इज, यानी कि ऐसी संस्थाएँ जो कि गैर व्यापारिक संस्थाएँ, उनमें मानदेय क्या होता है, मानदेय क्या होता है, इनकम होती है, एसेट्स होती है, एक्सपेंसेस होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो आपकी गैर व्यापारिक संस्थाएं उनमें मानदेय का जो भुगतान होता है वो आपका क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक्सपेंसेज। यानी कि जब बाहर से व्यक्तियों को क्या कार्य के लिए कोई नियुक्त किया जाता है, जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे अपन मानदेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो है, ए लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाई ए क्लब इज शोन इन, यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क है उसको प्राप्त किया एक क्लब ने, जैसे कोई खेलकूद क्लब हो सकता है, तो उसे कहाँ प्रदर्शित करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता, बैलेंस शीट यानी चिट्ठा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति और भुगतान खाता, या कोई नहीं। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, ये आजीवन सदस्य शुल्क किसी क्लब को एक सदस्य एक ही बार प्राप्त होती है, और ये प्राप्ति होती है पूंजीगत प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, इसलिए से कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या तीन आपके सामने, स्पेसिफिक डोनेशन इज, यानी कि आपको जो दान मिला है विशेष दान वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट एंड एसेट संपत्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी आयगत प्राप्ति, या नन ऑफ दीज, या कोई नहीं। तो जो विशेष दान है, जो विशेष कार्य के लिए मिलता है, तो वो कैसी प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। जैसे कि आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन निर्माण के लिए आपको डोनेशन मिला, तो ये विशेष कार्य के लिए डोनेशन मिला है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। क्वेश्चन संख्या चार आपके सामने है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी कि आय और व्यय खाता कौन तैयार करती है, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, या नैन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये आपकी जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है, यानी कि एनपीओ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर के जन कल्याणकारी कार्य करना होता है, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या पांच आपके सामने है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नाउन एज, यानी कि आय पर खर्च का अधिक, यानी आय कम और खर्च क्या ज़्यादा, यानी आय पर खर्च का अधिक क्या कहलाता है, प्रॉफिट, डेफिशिएट, लॉस, सरप्लस। तो जब आपका अगर ट्रेडिंग संस्था होती है, जो व्यापारिक संस्थाएं होती है, तो वो क्या करती है, वहाँ पर जब क्या होता है, आय ज़्यादा खर्च कम होती है, तो क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, और खर्च ज़्यादा आय कम होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर जो आपकी एनपीओ संस्थाएं होती है, ये उसको लाभ और प्रॉफिट और लॉस नहीं बोल करके, वो उसे सरप्लस और डेफिसिट कहती है। जब आपकी आय ज़्यादा और खर्च कम हो तो वो सरप्लस कहलाता है, और खर्च ज़्यादा आय कम हो तो क्या, डेफिसिट यानी न्यूनता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि खर्च ज़्यादा आय कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डेफिसिट यानी न्यूनता। क्वेश्चन संख्या सिक्स आपके सामने है दोस्तों, यदि अभी तक आपने पावर श्री के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे आपके सामने, वेहन फिक्स कैपिटल सिस्टम इज एडोप्टेड द अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विद रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, ये कह रहा है कि जब स्थायी पूंजी खाता सिस्टम अपनाया जाता है, स्थिर पूंजीपति, कौन सी पूंजीपति, आपने पार्टनर पढ़ी होगी, स्थिर पूंजीपति, तब जब पुस्तकों में साझेदार पुस्तकों में खाते खोले जाते हैं, तो कितने खाते खोले जाते हैं, तो स्थिर पूंजीपति में क्या होता है,
जो पूंजी खाते का सेंस स्थिर रहता है, इसलिए दो खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, यानी कि कैपिटल एंड करंट अकाउंट, पूंजी खाता व चालू खाता खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फर्म ए पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं। तो साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 2, 5, 10, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साझेदारी न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, यानी कि जब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो किस में चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो चार्ज किया जाता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि लाभ हानि वितरण खाता किस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए, और शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, या रिजर्व फंड यानी संचय कोष का निर्माण करने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपके विभाजन योग्य वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी ये आपका लाभ हानि वितरण साझेदारों मध्य, इसीलिए लाभ हानि वितरण के लिए खाता बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर फर्म, यानी कि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर फर्म, एक्सपेंसेज, प्रॉफिट, लॉस, नन ऑफ दीज। तो जो आपका आहरण पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आहरण पर ब्याज होता है वो आपके फर्म के लिए क्या होता है, तो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, नन, तो इस फर्म के लिए होता है प्रॉफिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू, यानी जब साझेदार है वो आहरण करता है तो उसकी जो आहरण पर जो ब्याज लगता है वो किस में डेबिट किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो जब साझेदार कोई राशि आहरण करता है तो उस पर जो आहरण पर जो ब्याज लगता है वो उसके पूंजी खाते में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि किसी व्यवसाय है उसकी जो आपकी क्या जो स्थिति है वो आपको जिसको मुद्रा में नापते हैं वो क्या कहलाती है, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, यानी अधिलाभ, सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, या गुडविल। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि ख्याति कहलाती है, यानी किसी संस्था की जो प्रसिद्धि हो रखी है वो क्या कहलाती है आपकी, किसी संस्था की प्रसिद्धि को मौद्रिक मूल्य में जब नापते हैं तो क्या कहते हैं, उसे ख्याति कहते हैं। किसी 13 आपके सामने है, द बैलेंस ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर, यानी कि आपके पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष होता है, चाहे लाभ हो या चाहे हानि हो, तो उसे पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष, क्योंकि पुराने साझेदारों से ही क्या होता है, या तो पुराने साझेदारों से का लाभ होता है या फिर उनकी क्या होती है, हानि होती है, इसलिए इसे पुराने साझेदारों में बांटा जाता है और पुराने अनुपात में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इज टर्म्ड एज, यानी कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होना किस मद का उदाहरण है, तो डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, जब एक नया साझेदार है साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, व्यवसाय का पुनर्गठन, या नन ऑफ दीज। तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, ए पार्टनरशिप फर्म इज रिकंस्टिट्यूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन जॉइंट लाइव ऑफ ऑल पार्टनरशिप कॉल्ड, यानी सभी साझेदारों के जीवन पर ली गई लाइफ पॉलिसी बीमा, जो जीवन बीमा हो, क्या कहलाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सिंगल लाइफ पॉलिसी, या फर्म लाइफ पॉलिसी, या नन ऑफ दीज। तो वो आपके कहलाता है जेएलपी, यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेएलपी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन
3, 4, 3 वाई रिटायर्स एंड एक्स एंड जेड शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इज। आपको कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड ये तीन साझेदार थे जिनमें से वाई ने अवकाश ग्रहण कर लिया, इनका रेशियो 3:4:3 था। अब आपको बताना है कि जो वाई अवकाश ग्रहण किया उसके हिस्से को एक्स और जेड ने बराबर अनुपात में लिया, तो आपको बताना है कि नया अनुपात। तो एक्स और वाई जेड का पहले रेशियो 3:4:3 था, वाई छोड़ के चला गया यानी एक्स और वाई का पीछे बचता है 3:3। अब देखो वाई के हिस्से को एक्स और जेड ने बराबर बराबर लिया तो इसमें बराबर बराबर जुड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशियो में बांटी जाती है, ओपनिंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नन ऑफ दीज। तो जो जेएलपी की राशि है जो आपको मिलती है कंपनी से फर्म को, उसे क्या किया जाता है, जो आपके साझेदार होते हैं सभी साझेदारों में क्या किया दिया जाता है, पुराने साझेदार जितने भी हैं यानी सभी साझेदार, जब ये कब बांटी जाती है, जब कोई साझेदार क्या होती है मृत्यु होती है, या फिर आपके जब साझेदार की मृत्यु होती है तो फर्म को क्या मिलते हैं, रुपये मिलते हैं बीमा कंपनी से। एक तो आपको जब अगर मर जाता है तो आपके फर्म को उसकी पूरी राशि मिलती है, इसके अलावा जो शेष साझेदार हैं उसकी क्या मिलती है, सरेंडर वैल्यू वो उसमें ज्ञात करते हैं, समर्पण राशि जब क्या कर देते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी को आगे चालू नहीं रखते हैं। तो इसे किससे में बांटा जाता है, तो पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 1 लाख बाई ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिट विल बी, यानी कि जब ये कह रहा है जब फर्म का समापन होता है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि कोई है आपका क्या कहता है भुगतान करने का दायित्व क्या कर लेता है, ले लेता है, कोई साझेदार ले लेता है कि ये दायित्व है इसको मैं चुकाऊंगा, 1 लाख रुपये इसे मैं चुकाऊंगा, तो इसकी जो है पुरुष्टि क्या होती है, तो उसमें किसको क्रेडिट किया जाता है, जब कोई साझेदार दायित्व ले लेता है चुकाने का तो पुरुष्टि होती है रिलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट किसको किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और डेबिट किसे किया जाता है, रिलाइजेशन अकाउंट को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब फर्म का ये पूछ रहा है डिसोल्यूशन यानी फर्म का समापन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, जब फर्म का समापन हो जाता है तो पूंजी खातों को किस खाते से बंद किया जाता है, रिलाइजेशन अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, ड्रॉइंग्स अकाउंट से या लोन अकाउंट से। तो जो रिलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है उसे आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्लोज किया जाता है, और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है उसे आपके बैंक अकाउंट से क्लोज किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म कैन बी वॉलेंट्री डिसोल्व बाय द पार्टनर्स, यानी कि एक फर्म का है जो स्वैच्छिक समापन है साझेदारों के किस आधार पर किया जा सकता है, पूर्ण बहुमत से, 3/4 सदस्यों के बहुमत से, या 1/3 सदस्यों के बहुमत से, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सभी सदस्यों की सहमति से फर्म का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो है कंपनी में जो पंजीकृत पूंजी होती है वो क्या कहलाती है, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल या इश्यूड कैपिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑथोराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी। आप सभी को पता होगा कंपनी के जो पूंजी वाक्य होता है कैपिटल क्लोज, उसमें जो पूंजी होती है वो अधिकतम पूंजी मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे ज़्यादा कंपनी पूंजी इश्यूड भी नहीं कर सकती, और वही पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है, ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाई इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, यानी कि वो अधिकतम पूंजी जिससे अधिक है कंपनी क्या नहीं कर सकती, निर्गमित नहीं कर सकती, वो पूंजी क्या कहलाती है, वो पूंजी आपके ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है, अधिकृत पूंजी है, अधिकतम पूंजी होती है, इससे अधिक पूंजी है कंपनी क्या कर सकती है, जारी नहीं कर सकती, निर्गमित नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा पूंजी अंश जारी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए किसे घटाया जाता है। तो कंपनी की प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए जब आपकी शेयर कैपिटल होती है ये ज्ञात करते हैं, इसमें से आपके पेड अप कैपिटल करने के लिए क्या करते हैं, जो पेड अप कैपिटल होती है उसमें से क्या करते हैं, अपन जो कॉल इन एरियस होता है बकाया मांग, इससे क्या कर देते हैं, लेस करते हैं, किसे करते हैं, कॉल इन एरियस, जो आपको राशि मिली नहीं है, और जो शेयर फॉरफिटेड होता है इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वैन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट्स नॉट रिसीव्ड देन द शॉर्ट फॉल इज डेबिटेड टू,
कॉल इन एडवांस अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल इन एरियस अकाउंट या दोनों ऑफ दीजिए। यानी कि आपने जब पूर्ण राशि किसी से मांगी है, दी है, लेकिन आपको पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है, जो कमी की राशि होती है उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है, तो बकाया खाते में डेबिट किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉल इन एरियस अकाउंट डी आर किया जाता है, जो राशि बकाया रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज जनरली रिटर्न ऑफ। यानी कि आपके ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो भी हानि हुई उसे सामान्यतः कितने वर्षों में अपलिखित कर लेना चाहिए, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। तो क्वेश्चन संख्या 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपको क्या कर लेना चाहिए, 5 वर्षों में क्या कर लेना चाहिए, जो है आपके क्या कर लेना चाहिए, इसे रिटर्न ऑफ यानी अपलिखित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 27 आपके सामने, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिबेंचर आर शोन अंडर द हेड। यानी कि बैलेंस शीट होती है उसमें आपके कंपनी के जो आपके ऋण पत्र हैं ये आपके जो किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, तो बैलेंस शीट में जो हेडिंग होती है आपके जो दर्शाए जाते हैं डिबेंचर को, आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हेडिंग होती है, और सब हेडिंग होती है आपकी जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 28 आपके सामने है, आपसे कह रहा है द बैलेंस ऑफ सिकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। यानी कि जो आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट खाता है इसको जब आप क्या कर दें, इसका जो सेंस होता है इसको जब इसका अपने वसूली हो जाती है, रियलाइजेशन इसका कर देते हैं अपन इसको, यानी ख़त्म कर देते हैं, तो अपन जब डिबेंचर का भुगतान करने के लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट, बाहर विनियोग करते हैं अपन सिंकिंग फंड, तो इसे ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद इसको सिंकिंग फंड को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपको बताना द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनी अधिनियम 2013 में जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है आपको किस में दिया गया, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो अनुसूची 3 भाग फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 30 आपके सामने है, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज एंड विच इज चार्ज अगेंस्ट रेन्यू इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी संचय का निर्माण किसी विशेष कार्य विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसे अपन किस नाम से पुकारते हैं, कैपिटल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व या नन ऑफ दीज। तो विशेष कार्य के लिए संचय का निर्माण किया जाता है उसे विशेष संचय कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, ये कह रहा है इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्ट रिपोर्ट इज प्रेजेंट। यानी कि कौन सी मीटिंग में है जो है निदेशकों को क्या की जाती है रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है, डायरेक्ट मीटिंग में, मैनेजर मीटिंग में, या एनुअल जनरल मीटिंग में, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन से 31 आपसे कह रहा है कि जो इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्ट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, तो 31 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक साधन सभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग आपका वार्षिक साधन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आपसे कह रहा है प्रक्रिया के आधार पर है वित्तीय विश्लेषणों के कितने प्रकार हैं, ओरिजेंटल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस या बोथ ए एंड बी। तो आप सभी को पता है ओरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी क्षैतिज विश्लेषण और उद्गर विश्लेषण जिसे अपन कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 33 आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। यानी 33 आप कह रहा है कि इनमें से आपका जो है नॉट ए कैश इनफ्लो, यानी आपका इन जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शनों में से किस में है रोकड़ अंतरपूर्वा नहीं है, यानी कि रोकड़ आपके आ नहीं रहा है, ठीक है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो जब माल अपन संपत्तियों को स्थिर संपत्तियों को बेचा है तो आपको रोकड़ आ रहा है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जब आपने स्थायी संपत्ति खरीदा तो रोकड़ जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर ऋण पत्र निर्गमन किया तो रुपये आ रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश, यानी इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिट्स, इंक्रीज इन स्टॉक, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन संख्या 34 है वो आपसे कह रहा है कि कौन सा है वो कैश का उपयोग नहीं है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेशन, कैश का उपयोग नहीं है, रोकड़ का उपयोग नहीं है। तो देखो कौन सा उपयोग नहीं है, इंक्रीज इन डेटर्स, जब देनदारों में वृद्धि हुई है, क्या हुई है,
देनदारों में क्या हुई, आपके वृद्धि हुई, यानी देनदार पहले 20 के थे, अब देनदार आपके 30 के हो गए। इसका मतलब आपके क्या क्या है, आपने क्या किया है, केस दिया है, इसलिए आपके क्या हो गया, देनदार ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब आपके ये केस का उपयोग है। इनक्रीज इन क्रेडिट, लेनदार मोर दी, लेनदार पहले 40 के थे, मान लो अब लेनदार 50 के हो गए, इसका मतलब रुपए आए हैं, तो ये केस का उपयोग नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में आपके क्या हुई वृद्धि, यानी स्टॉक पहले 30 का था अब 40 का था, इसका मतलब भी आपके स्टॉक बढ़ा, इसका मतलब क्या आपसे गए है। क्वेश्चन संख्या 35 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि आपको कह रहे हैं कि रोकड़ बहिर्वा, यानी रोकड़ जिसे बाहर नहीं जा रही उसका उदाहरण नहीं है। तो देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन से रोकड़ बाहर जा रही है, इश्यू ऑफ डिबेंचर से रोकड़ आ रही है, राइट आंसर यही हो जाएगा। और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदारों में कमी, लेनदार पहले 30 के थे अब लेनदार 20 के हैं, इसका मतलब आपके क्या हो गया, रोकड़ जा रही है। तो आपसे कह रहा है रोकड़ नहीं जा रही है, इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम, कौन सा है गैर रोकड़ मद है। तो ये ऐसा नहीं, क्वेश्चन इसमें थोड़ा एक मिस्टेक है, नोट कर लेना, नोट इज नॉन कैश, यानी गैर रोकड़ मद नहीं है। तो कैश सेल है, ये कैश आइटम है, ये नॉन कैश आइटम नहीं है, बाकी डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है और गुडविल रिटन ऑफ भी नॉन कैश आइटम है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड, रोकड़ पर विवरण है, उसका लेखा मानक कौन सा है, लेखा मानक 3 है, अकाउंट स्टेटमेंट 3, रोकड़ पर विवरण। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ कंपनी, यानी कह रहा है कि कंपनी की जो शोधन क्षमता है, ठीक है, उसको बताने वाला जो अनुपात है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो कौन सा आता है, वो प्रॉफिट लाभदायक अनुपात में आता है, स्टॉक टर्न आवर्तन अनुपात में आता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, करंट रेशियो आता है। तो आपके किस में आता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात किस में आते हैं, आपके ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो कंपनी क्या बताता है, शोधन क्षमता को बताता है। द आइडियल आपको कह रहा है ऋण क्षमता अनुपात का आदर्श अनुपात कौन सा है, 1:1, 2:1, 1:2, 3:4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:1 आपका आइडियल ऑफ डेब्ट इक्विटी ऋण क्षमता अनुपात, यानी कि इसका सूत्र होता है एक्सटर्नल इक्विटीज बटा इंटरनल इक्विटीज। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑपरेटिंग का नहीं, ये आपसे कह रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पूछ रहा है, कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, यानी कि कार की बिक्री पर हानि, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी गैर परिचालन खर्चे, बाकी सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी के MCQ, इंग्लिश में थे, आपने कहा था इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ये कैसे लगे आज इंग्लिश के MCQ, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश के MCQ रेगुलर रखें तो इंग्लिश के रखेंगे, नहीं तो फिर अपन वही हिंदी के MCQ रखेंगे। तो धन्यवाद।